by a massive earthquake followed by a tsunami and volcanic eruption in March 2011 is? Option A is China. Option B is Japan. Option C is Bangladesh. Option D is USA. हाँ जी खुशी मैम इट्स जापान जापान वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिनोमिना दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ सुनामी इज अंडर सी लैंडस्लाइड अंडर सी अर्थक्वेक क्लाउड बर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक शौर्य सॉरी आंसर दिस क्वेश्चन बेटा इनमें से कौन सा फिनोमिना सुनामी का रीजन नहीं हो सकता मैम क्लाउड बर्स्ट वेरी गुड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव्स इज सेस्मोग्राफ सेस्मोमीटर विंड वेन और बैरोमीटर अजस्व मैम सीज़मोग्राफ ऑप्शन ए सीज़मोग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट दैट अलाउज मैग्मा टू रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग फाउंटेन वॉल्केनो एंड गीजर अर्पिता मैम ऑप्शन सी वोल्केनो वोल्केनो वेरी गुड आपका नाम अर्पिता ही है या फिर ये किसी और की आईडी से आपने स्टार्ट वो किया ओके यू आर द न्यू इन दिस क्लास द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज अ पॉइंट अंडर द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस अप टू विच ट्रेमर्स आर फेल्ट नन ऑफ दीज हाँ जी हितेश मैम ऑप्शन बी ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस वेरी गुड फोकस होता है अंडर द अर्थ ठीक है जहां पर वेव्स क्रिएट हुई है ना उन वेव्स के जस्ट ऊपर अर्थ के ऊपर उस जगह को हम बोलते हैं एपी सेंटर जैसे कि यहाँ पर अर्थ है अर्थ का सरफेस यहाँ पर वेव्स क्रिएट हुई है तो इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर अर्थ के सरफेस पे ये जगह पे इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Earthquakes are caused due to heavy rain, excessive heat, movement in Earth's crust, and none of these. Harsh. Yes, ma'am. Option C. Moving in Earth C. हाँ जी, very good. हमने पढ़ा था ना कि tectonic plates जब move करती हैं, तो क्या होता है? अगर वो एक तो वो रेगुलर मूव करती रहती है ठीक है लेकिन जब वो एक दूसरे में स्टक हो जाती है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है बहुत वेव्स क्रिएट होती है जिसको सेस्मिक वेव्स बोलते हैं जिससे अर्थक्वेक आता है अर्थक्वेक जनरेट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो इसका आंसर तो पहले दिख गया आपको इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एक्टिव डोरमेंट एक्सटिंक्ट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोस वोल्केनोस की टाइप पढ़ी थी ना हमने एक्टिव डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस एक्टिव वोल्केनोस वो वोल्केनोस होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक्टिविटी देखी गई है लास्ट 10,000 ईयर्स में ठीक है और उनका आगे भी फटने का चांसेस होता है और डोरमेंट वोल्केनोस को स्लीपिंग वोल्केनोस भी बोलते हैं मतलब की पिछले 10,000 ईयर्स के पहले इनमें एक्टिविटी थी पर 10,000 ईयर्स से कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई पर फ्यूचर में इनका इरप्ट होने का चांसेस होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जो लास्ट 10,000 ईयर्स से पहले भी कभी
फटे नहीं है और इन फ्यूचर भी उनका इरप्ट होने का कोई चांस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल स्टडिंग अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑल ऑफ दीज. प्रतीक था कि अर्थ की क्रस्ट एक बिग पीस से नहीं बनी है, बहुत सारे पीसेस को जोड़कर बनी है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन रूलर, बैरोमीटर, रिक्टर स्केल और ऑल ऑफ दीज. राइशा मैम बैरोमीटर. व्हाट मैम? मैम रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल पे मेजर होता है अर्थक्वेक. Which one of the following are causes of drought? इनमें से कौन से causes हैं drought के? Less rainfall, high temperature, dry winds या all of these? Shubham. Ma'am, all of these. Very good. All of these will be the right answer. Which one of the following statement is correct about wind? Wind के बारे में कौन सी statement correct है? Wind is produced due to uneven heating on the earth by the sun. Wind is produced due to even heating on the earth by the sun. Sun does not affect wind on the earth, both A and B. Aditya Kumar. Yes, ma'am. Ma'am, the right answer is ma'am, option D. Option D. Wind is produced due to uneven heating on the earth by the sun. The answer is option A. The shaking of the earth is called wave, cyclone, earthquake or storm. Jishu. Yes, ma'am. And the shaking of the earth is called? Wave. Earthquake, बेटा earthquake होता है, earth का shake करना, earthquake. Next question is the liquid which comes out of volcano is called, वो liquid जो volcano से बाहर आता है उसको क्या बोला जाता है? Lava, magma, water और petrol. प्रतीक. मैम लावा. द आंसर इज लावा. अब एक बात सुनो मेरी, यहाँ पर लावा और मैग्मा दोनों है ना. मैग्मा और लावा दोनों का सेम मीनिंग होता है, मेल्टिंग रॉक्स है ना, मोल्टन रॉक्स जो होती हैं वही मैग्मा होता है, वही लावा होता है. तो लावा जो है ना वो उसको बोला जाता है जो वोल्केनो से बाहर अर्थ के ऊपर आ जाता है, ठीक है. मैग्मा जो होता है उसको अंडरग्राउंड अर्थ जो लिक्विड होता है उसको बोला जाता है, ठीक है. होता मीनिंग सेम है. लावा जो होता है उसको जब बाहर आ जाता है तब बोला जाता है, मैग्मा जो है वो अंडरग्राउंड होता है तब बोला जाता है, ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक वेव्स को डिटेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राफ, सेस्मोलॉजिस्ट, रिक्टर स्केल और ऑल ऑफ दीस. खुशी. मैम रिक्टर स्केल. इंस्ट्रूमेंट देखो यहाँ बना भी हुआ है. यस मैम सेस्मोग्राफ. रिक्टर स्केल बेटा एक स्केल है जिसके ऊपर जैसे कि मान लो वेव्स हो गई, वेव्स जो अर्थक्वेक वेव्स है उसको डिटेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट तो सेस्मोग्राफ ही है ना. स्केल, रिक्टर स्केल जो है उसमें मैग्नीट्यूड पता लगता है कितना मैग्नीट्यूड का था अर्थक्वेक, ठीक है. Which one of the following are after effects of earthquake? इनमें से कौन से मतलब अर्थक्वेक के बाद वाले इफेक्ट्स हैं? क्रैकिंग ऑफ रॉड्स, शैटरिंग ऑफ बिल्डिंग्स, लॉस ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ दीज. निशांत. मैम ऑल ऑफ दीज. हाँ जी, अर्थक्वेक के बाद ये सभी होता है, क्रैकिंग ऑफ रोड्स, रोड्स क्रैक हो जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लॉस ऑफ लाइफ जाने जाती हैं,
ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर. Which of the following instrument is used to record seismic waves? Again, same question. Seismograph will be the right answer. Which of the following is not a cause of tsunami? इनमें से कौन सी cause of tsunami नहीं है? Undersea landslide, undersea earthquake. This is the also the same question, which is the answer will be cloudburst will be the right answer. वो tsunami का cause नहीं है. Structures shatter, buildings shake, roads crack, and communication fail during spring, winters, earthquakes, or summer. हाँ जी, लहर. मैम earthquake. Earthquakes की वजह से होता है. Those who study earthquakes are called seismologists. अभी पढ़ा था हमने. The drought of the century in the history of India was in मतलब century, drought of century इतना massive drought आया था इंडिया में, वो कौन से ईयर में आया था, किसी को पता है? मंजीत कैमरा ऑन कीजिए, अवनीश कैमरा ऑन कीजिए, गार्गी कैमरा ऑन कीजिए. हाँ जी, इसका आंसर बताइए बेटा. मैम इसका आंसर होगा मैम 1962 to 1963. आंसर बेटा ये रॉन्ग आंसर है. आंसर जो है वो होगा 1986 to 1987. दिस विल बी द राइट आंसर. ओके, इस ईयर में एक मैसिव ड्रॉट आया था जिसको ड्रॉट ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है. Dash is a famous volcano. Met Vesuvius, Kutch, Bhuj or Latur. Raisha, camera on कीजिए. Camera on. इनमें से कौन सा famous volcano है? Ma'am, option A. Mount Vesuvius. Certain rock that flows on the surface of the earth is called जो earth के surface पे flow करता है molten rocks, पिघली हुई rocks, उनको हम क्या बोलते हैं? शौर्य आप बताइए बेटा. लावा. The point inside the earth where an earthquake begins is called अंदर, earth के अंदर जहां पर earthquake शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Focus, epicenter, crater और none of these. प्रत्युष. मैम option B. option B. अभी हमने देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि एपी सेंटर जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है. सरफेस के ऊपर वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक, जिसके मतलब मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन, ये अर्थ का सरफेस है ठीक है. तो अर्थ के सरफेस के नीचे जिस पॉइंट पर वेव्स क्रिएट हुई है उसको हम बोलते हैं फोकस ठीक है. और इसके एग्जैक्टली ऊपर इस जगह को हम बोलेंगे एपी सेंटर. ओके, तो फोकस, अब आप उसने पूछा था इनसाइड द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर नीचे, तो क्या होगा? फोकस. ओके, डिफॉरेस्टेशन मेक्स अ रीजन मोर प्रोन टू मोर देन वन आंसर शुड कुड बी करेक्ट. मतलब कि डिफॉरेस्टेशन से किसी भी जगह पर क्या ज्यादा होने लगता होना हो सकता है? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स. नवरूप. मैम ड्रॉट. ऑप्शन बी एंड सी दोनों हो सकते हैं ठीक है. फ्लड्स भी हो सकता है, ड्रॉट भी हो सकता है. अगर पेड़ कटेंगे तो पानी को रोकने के लिए जड़ें नहीं होंगी पेड़ों की, तो फ्लड आ सकता है ठीक है. ड्रॉट इसलिए आ सकता है क्योंकि जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये भी
प्ले करते हैं अपना रोल इसके लिए, तो ड्रॉट भी जो जैसे बारिश में भी या फिर किसी जो एनवायरनमेंट को अच्छा रखने में प्ले करते हैं, तो ड्रॉट एंड फ्लड्स दोनों ही हो सकते हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज अभिज्ञान. एकदम से अर्थ का शेक होना उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनो, फोकस और नन ऑफ दीज. अर्थक्वेक. वेरी गुड. व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स व्हाट कम्स आउट ऑफ इट. जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से क्या आता है बाहर, आप बताइए बेटा. लावा. वेदांश. यस मैम. बताइए. When a volcano erupts, what comes out of it? मैम लावा. हाँ जी लावा आता है. The tidal waves are commonly known as magma, dormant, tsunami or none of these. मैम C option. C option that is tsunami. Choose the odd one out. इनमें से odd one out बाहर निकालना है आपने. Active volcano, lava, dormant volcano और extinct volcano. Dormant volcanoes, active volcano और extinct volcano. तीनों volcanoes types of volcanoes हैं. ठीक है? तो lava ही अलग हुआ. तो answer will be lava. सोचते नहीं हो. बस देखते रहते हो question को. पाए मतलब साइक्लोन्स. हमेशा साइक्लोन्स के साथ साथ क्या होता है? अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स या हैवी शावर्स. लहर. यू आंसर. यस मैम. आंसर दिस क्वेश्चन. साइक्लोन्स आर ऑलवेज अकंपनीड बाय अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स. आंसर विल बी हैवी शावर्स. बहुत ज्यादा बारिश होती है. साइक्लोन्स नहीं आते हैं जब, तो क्या होता है? बारिश होती है, हैवी शावर्स होते हैं. अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू कोलिशन ऑफ, कोलिशन मतलब टकराना. किससे, किसके टकराने से अर्थक्वेक होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, क्रस्ट, कोर, नन ऑफ दीस. क्रस्ट कोलिशन से आता है बेटा. 10 बार मैंने आपको बता दिया कि अर्थक्वेक जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से आता है. कितनी बार बताया है? जब भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत आंसर करते हो सारे. एक्टिव वोल्केनोस इरप्ट. एक्टिव वोल्केनोस फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं. वंस इन टू इयर्स इरप्ट होते हैं. एवरी डे इरप्ट होते हैं या ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस टू प्रिवेंट ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, नन ऑफ दीज. मतलब रेन वाटर से हार्वेस्टिंग करने से हमें मतलब क्या बचने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए हमें रेन वाटर से हार्ड्स, अर्थक्वेक्स. किसी को नहीं बचा सकता रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है. एक्सेसिव रेनफॉल इज द कॉज ऑफ. एक्सेसिव रेनफॉल क्यों होती है, किसका कॉज होती है, मतलब एक्सेसिव रेनफॉल होने से क्या होता है? फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट्स और नन ऑफ दीज. नवरू. यस मैम. एक्सेसिव रेनफॉल से क्या होता है? फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट्स और नन ऑफ दीज. मैम फ्लड. फ्लड्स. वेरी गुड. बाढ़ आती है अगर बहुत ज्यादा रेन होती है तो. Volcanic eruptions occur when the pressure inside the earth increases, decreases, goes slow or none of these. Pratyush, kab aati hai volcanic eruptions jo hai, wo kab hota hai? Jab andar pressure badhta hai, decrease hota hai, kam hota hai ya phir none of these? Ma'am, when the pressure increases. Increases, very good. डॉर्मेंट वोल्केनोस आर ऑल्सो कॉल्ड डैश वोल्केनोस. अभी बताया है मैंने डॉर्मेंट वोल्केनोस को और क्या बोला जाता है. पारस. मैम एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. डॉर्मेंट वोल्केनोस को एक्सटिंक्ट वोल्केनोस बोला जाता है. स्लीपिंग वोल्केनोस. फिर डॉर्मेंट वोल्केनोस एक्सटिंक्ट वोल्केनोस से अलग क्यों है? Melting of glaciers may cause
ग्लेशियर्स का मेल्ट होना क्या कर सकता है? फ्लड्स, ग्लोबल फार्मिंग, ड्रॉट्स और अर्थक्वेक्स? शौर्य मैम, फ्लड्स। क्या बेटा? मैम फ्लड्स ए। फ्लड्स, वेरी गुड। व्हेन वाटर फ्रॉम डैम इज रिलीज्ड इट रिजल्ट्स इनटू डैश फ्लड्स। अगर डैम्स का वाटर रिलीज किया जाता है तो कौन से फ्लड्स आते हैं? मैन मेड फ्लड्स, नेचुरल फ्लड्स, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज? विश्व मैम मैन मेड फ्लड्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।